सीखेंगे कुछ हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज। आज की हमारी रेसिपी एक राजस्थानी कुजीन रेसिपी है जिसे हम खीरानंद के नाम से जानते हैं। खीरानंद इज सम काइंड ऑफ लाइक खीर, बट खीर जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, खीरानंद लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। खीरानंद भी खीर के ही जैसे चावल और दूध से बनता है, लेकिन यहाँ पे हम चावल को घी में रोस्ट करके बनाते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा, बट आप तो जानते ही हैं सबका फल मीठा होता है और आज की हमारी रेसिपी भी मीठी ही है। तो चलिए अब हम बनाते हैं खीरा। सबसे पहले हम अराउंड 2 से 2.5 कप चावलों को धो लेंगे और तकरीबन 10 से 12 बादाम और काजू भी काट कर रख लेंगे। हमने यहाँ पे मोटा मोटा काटा है, आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हो। अब हम 1 कप घी को थिक बॉटम पैन में हल्का गरम करेंगे, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हो। अब इस घी में हम हमारे धुले हुए चावलों को रोस्ट करने के लिए डालेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे ताकि चावल चिपके नहीं और इक्वली रोस्ट हों। इन्हें आप लगातार चलाते रहें। जब ये चावल आधे रोस्ट हो जाएं, तब हम इसमें कटे हुए बादाम और काजू भी डाल देंगे और उन्हें भी चावल के साथ रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए चावल आधे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारे काजू बादाम डाल देंगे। अब चाहें तो छोटा थोड़ा पतला काट लें और अगर आप पीस के डालना चाहते हैं तो इन्हें आप जब दूध डालेंगे तब डालें पिसा हुआ। इन्हें भी आप लगातार चलाते हुए पका लें। देखिए हमारे चावल एंड ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें तकरीबन 2.5 लीटर से 3 लीटर के करीब दूध डाल देंगे। मैंने यहाँ पे गर्म दूध डाला है, आप चाहें तो ठंडा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 से 15 लोगों के लिए बनाया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसे बीच बीच में चलाते हुए आपको पकाना है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध पूरी तरह से सूख ना जाए। इसे आप बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए दूध हमारा जो है सूखने लग गया है। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि हमारे चावल भी पकने चाहिए। जब अगर आपका दूध पहले सूख गया है और चावल नहीं पके हैं तो आप इसमें थोड़ा दूध और डाल लें। देखिए दूध जो है सूखने लग गया है और ज़्यादा, थोड़ा और पका लेंगे। अब हमारा दूध सूख गया है, अब इसमें 2.5 कप चीनी डालेंगे। आप चीनी को अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो क्वांटिटी बढ़ा दो। यहाँ पे मैंने चावल के क्वांटिटी के जितना ही चीनी लिया है, 2.5 कप चावल लिए थे तो 2.5 कप ही चीनी ली है। इसे अच्छे से मिलाएंगे और पकाएंगे जब तक कि चीनी की अच्छी सी चाशनी ना बन जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे। जब चीनी घुलेगी तो ये थोड़ा ढीला होगा, लेकिन बाद में जब ये ठंडा होगा, जैसे जैसे ठंडा होगा और ज़्यादा सूखता जाएगा।
इसे भी आप लगातार चलाते हुए ही पकाएं। ये देखिए जो चावल हैं वो ढीले हो गए हैं, चाशनी बन गई है। 2 मिनट और पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच कुटी हुई इलायची डालेंगे। हम इसमें कुटी हुई इलायची डाल देंगे और गैस को भी बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए तैयार है आपका अपना खीरानंद। इसे आप चाहें तो गर्म भी परोस सकते हो और ठंडा करके भी परोस सकते हो, ये दोनों ही तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।